मॉर्निंग, सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ मेरी कुर्ग राइड के लिए। सो गाइज, सब कुछ पैकिंग और ये सब हो गया है। अभी जस्ट रेनकोट रेन पैंट पहनना है और निकलना है फॉर द कुर्ग राइड। जो भी है बाकी की बातें अपन हेलमेट के अंदर करेंगे। सो गाइज, गाड़ी को पूरी तरह से लोड कर दिया है। इस पैनियर में सामान है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स और उसके बैग है वो है कॉलेज सैक, और ये वाला पैनियर मैंने खाली रखा है राजन के लिए। तो राजन इसमें अपना सामान डालने वाला है। मोबाइल जो है ये वाटरप्रूफ मोबाइल है, फिर भी मैं इसे रेनकोट के पॉकेट में रख दूंगा। और बस अभी निकलते हैं यार, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया मैंने। अरे यही वाला खोलो, उससे नहीं आएगा, यही खोलो। अरे अंडे, आप इतना जल्दी उठ गए? देखना बैठेगा शायद से, तो बैठेगा दबा के डाल देंगे ना, थोड़ा बहुत तो दबाना तो पड़ेगा ही ना इधर उधर से। तो दोस्तों, पूरा पैकिंग और सब कुछ रेडी होके निकलने में ऑलमोस्ट 4 बज गए, मतलब निकलना था 3 को और अभी 1 घंटा हम लोग डिले हो गए हैं। चलो राजन भाई निकलो आगे। और बारिश तो है भाई, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हे गाइस, अभी फिलहाल मैं हूँ लोनावला में एंड कंडीशन आप देख सकते हो, टोटली फॉग चल रहा है। ऐसे मैं एटलीस्ट 5 मिनट से गाड़ी चला रहा हूँ। वाइजर पूरी तरह से ओपन है बट फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय गाड़ियों की लाइट्स एंड ये जो व्हाइट व्हाइट पट्टी डाली हुई है रोड के ऊपर, बस उतना ही दिख रहा है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है। आई गेस कि ये जो फॉग है ये टिल लोनावला क्रॉस होने तक ही रहेगा, आफ्टर लोनावला ये फॉग नहीं रहेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ ओके, गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम पुणे। बहुत ज़्यादा बारिश था भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला बारिश था। अभी फाइनली यहाँ पे थोड़ा बारिश मेरे को खुला मिला है, इसीलिए मैं यहाँ पे रुक गया। और अभी आई गेस कि सीधा पूना क्रॉस करने के बाद ही हम लोग रुकेंगे। सॉरी गाइस, मोबाइल बाहर नहीं निकाल सकता, यहीं से ही देख लो अभी क्या करें। मोबाइल बाहर निकालूंगा फिर से उसको अंदर डालने में झंझट हो जाएगा। तो यस, ऐसा ही चल रहा है सब कुछ और निकलते आगे। सो गाइस, फर्स्ट फ्यूल पंप घर से 236 किलोमीटर हो गया है और अभी कुछ अराउंड 7:30 बज रहे हैं। इधर सातारा कितनी है? सातारा अभी और 25 किलोमीटर है, तो आई गेस कि हम लोग शेड्यूल के हिसाब से ही चल रहे हैं। नहीं, नॉर्मल लगा। भाई मेरा 700 है, तेरा कितना आया? तो 800 चले गए। हाँ तू भाई पावर वाला भाई, अमीर बंदा है तू। क्या कम कर रहा है? वो पेन से लिखा है ना तूने? बॉल पेन से, मार्कर से लिखा है। अरे वॉश करके लिखा 2 दिन पहले, आज सुबह सुबह देखा था। सो गाइज, अभी सातारा जस्ट 20 किलोमीटर्स है जैसे कि मैंने आपको बताया, और जो कैमरा है वो अगर यूज़ करता हूँ गोप्रो तो फॉगअप होने शुरू हो जाता है। तो मैं ज़्यादा कुछ गाइज रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है, बट आफ्टर धवनगिरी मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करने वाला हूँ। यार ये जो हाईवे है ना बैंगलोर वाला, यहाँ पे पता नहीं मैं 2 या 3 बार मैंने सेम वीडियो बनाया है, जाते टाइम का 3 बार और आते टाइम का 3 बार, तो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ये हाईवे मैंने अपने वीडियोस में दिखा के चुका हूँ। तो इतना कुछ मेरे को मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है यार कुछ शूट करने के लिए, मतलब जैसे कि सातारा आया, ये घाट आया, वो टनल आया, ऐसा कुछ मतलब यार जो मज़ा आना चाहिए वो मेरे को खुद को नहीं आ रहा है आपको बताने को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर धवनगिरी हम लोग जो राइट लेने वाले हैं टूवर्ड्स चिकमंगलूर,
वहाँ पे बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग करने को रहेगा क्योंकि पूरा घाट सेक्शन है एंड फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे जा रहा रहूंगा, तो उसके लिए मैं अभी टाइम बचा के रख रहा हूँ। ये फिर भी अराउंड 5 मिनट्स तक हो गया होगा वीडियो, मुझे पता है, बट धवनगिरी से आगे मुझे एटलीस्ट 5 मिनट्स का वीडियो बनाना है, तो उस हिसाब से मैं अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे पहुंचे हम लोग कोल्हापुर अराउंड 40 किलोमीटर से, सुबह से बिल्कुल भी ब्रेक ना लेते हुए अराउंड 340 किलोमीटर खाली पेट्रोल डाल के गाड़ी भगा रहे। तो ये रहा मेरा गाड़ी, ये रहा राजन। राजन भाई मजा आया? अरे बहुत मजा आया, जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे बारिश लग रहा है पूना में, खाली कोल्हापुर में जो अभी यहाँ पे रुका है यहाँ पे बारिश नहीं है यहाँ पे। वो भी मैंने पैच एक्चुअली ढूंढा कि यार जहाँ पे बारिश नहीं हो वो पैच में हम लोग रुकेंगे। तो ये देखो इधर एकदम सूखा सूखा है सब कुछ, तो ऐसा पैच में हम लोग अभी रुके हैं। यार 340 किलोमीटर पूरा रेन में गाड़ी चला गया है, नॉन स्टॉप एक ही ब्रेक लिया वो भी पेट्रोल ब्रेक था यार। तो मजा आ रहा है दोस्तों। अभी प्लान ये है कि निपानी के यहाँ पे जो गोवा वेस्ट होटल है वहाँ पे जाके हम लोग खाना खाएंगे एंड खाना खाने के बाद फिर आगे नॉन स्टॉप, और पेट्रोल तो कर्नाटक में जाके भराएंगे, अपने महाराष्ट्र से 4-5 रुपये कम है। अभी थोड़ा बहुत हम लोग आराम करेंगे, राजन और मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग वेचिंग कर लेते और फिर आपको मिलता हूँ सीधा गोवा वेस्ट होटल में। दोस्तों ऑलमोस्ट 11 बज गए और हम लोग अभी गोवा वेस्ट होटल में हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो चिकमंगलूर पहुंचने का हमारा जो टाइमिंग था, मतलब अराउंड 7 बजे तक हम लोग चिकमंगलूर पहुंचना चाहिए था, मुझे लगता है अभी हम लोग अराउंड 9 या 10 बजे तक चिकमंगलूर पहुंचेंगे, तो यार काफ़ी लेट हो गया है ऐसा लगता है मुझे अभी, बट ठीक है। अरे सो गाइस हम लोग फिर से रेडी हो गए राइड करने के लिए आगे, राजन भी पूरी तरह से रेडी है और मैं एंड मेरी बाइक भी पूरी तरह से रेडी है। GoPro अच्छे से रिकॉर्ड कर पा रहा है अभी तक तो फिलहाल, एंड जस्ट एक चीज़ जैसे कि मैंने जो सर्जिकल ग्लव्स डाला था उससे भी अंदर पानी गया है, तो अभी ऐसा कुछ जुगाड़ किया है। होप्सो कि ये काम करेगा और मेरा अंगूठा भी गीला नहीं होगा, क्योंकि जस्ट अभी मेरा अंगूठा बहुत ज़्यादा गीला हो गया था और गाइज अभी भी उसमें थोड़ा बहुत हीलिंग होना बाकी है, तो गीला अंगूठा अच्छा साइन नहीं है मेरे राइड के लिए। हाँ दोस्तों निपानी के बाद क्या रास्ता खुल जाता है यार, जो ट्रैफिक है वो ऑलमोस्ट 50% कम हो जाती है और जो रोड है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है गाड़ी भगाने के लिए। रिलायंस में उसके बाद जो मैंने 800 उसके बाद अभी 760, ये 60 रुपये तो मतलब 800 ही का डाला तूने, ये तो 40 रुपये तो कम ही है ना, मतलब तेरे गाड़ी में ज़्यादा डीजल लगता है यार। साला मेरा तो फुल्ली लोडेड है भाई, पैनियर बिनियर सब सामान उसमें। चल साला सो गाइस 472 किलोमीटर हो गया है घर से और अभी सेकेंड टाइम फ्यूल अप कराया। कर्नाटका में जो फ्यूल का प्राइसेस है वो है 76.89, मतलब यार अपने महाराष्ट्र से 7 रुपये कम, और देखा जाए तो यहाँ के जो रोड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यार महाराष्ट्र के मुकाबले काफ़ी अच्छा, पता नहीं किस चीज़ का टैक्स लेती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सो दोस्तों अभी हमें हुबली के आगे और यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा है, पूरे विंडमिल्स ही विंडमिल्स, तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो निकालते और जाते अभी, और धवनगिरी के लिए एटलीस्ट 1.5 घंटा लगेगा और फिर उसके बाद मुझे चेतन एंड उसका एक दोस्त, ये दोनों बाइकर्स मुझे ज्वाइन कर लेंगे और देन हम लोग आगे जाएंगे टूवर्ड्स चिकमंगलूर। इसमें पानी तो नहीं गया ना भाई? नहीं गया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए धवनगिरी। ये जो प्लेस है यहाँ पे चेतन जो है मेरा दोस्त रहता है, इसके आगे जो राइड है वो और भी ज़्यादा फन रहने वाला है, क्योंकि जब कोई लोकल आपके साथ अगर कोई राइड को आ जाता है तो यार वो राइड तो एकदम झकास होनी ही है। तो चलो अभी वेट करते हैं थोड़ा बहुत चेतन का, चेतन होप सो जल्दी आ जाए।
सो गाइस 15 मिनट के वेट करने के बाद अभी चेतन एंड पवन ये दोनों आ गए हैं. दिस इज चेतन और पवन. तो ये दोनों अभी हमें कल के पूरे दिन के लिए अपने को ज्वाइन कर रहे हैं. तो ये दोनों चेहरे को आप कल के वीडियो में बहुत ज़्यादा देखने वाले हो. ठीक है, सी यू. तो अभी चिकमंगलूर जाने में कितना टाइम लगेगा? 10 PM. 10 PM? इतना टाइम लगेगा? लगेगा यार, सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ. ठीक है, चलो चलता है चलता है. चलो निकलते फिर जल्दी जल्दी. सो दोस्तों, ये है चिकमंगलूर जाने का रूट. ऐसे ही सेम रोड के ऊपर हमें अराउंड 200 किलोमीटर चलना है. एंड व्यू तो देखो यार, ये साइड मस्त एकदम लेक है. एंड यहाँ पे छोटा सा रोड है, ऐसे सब जो भी मतलब पालतू जानवर है वो है इस रोड के साइड में, रोड पे चल रहे हैं. एंड बीच में छोटे छोटे गांव आ रहे हैं. तो यार ऐसे रोड पे बाइक चलाने को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन हाईवे. लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू. पूरा कोकोनट प्लांटेशन है, पूरा कोकोनट प्लांटेशन. इसका नाम क्या है? सुले केरे बोलता है. सुले केरे, सुले चेरे, शांति सागर. अच्छा, ये शांति सागर डैम है. वो यार इतना अच्छा दिख रहा था. अल्ला रिवर है, लेक है. लेक है, लेक है, लेक है. हाँ ठीक है, चलो. हाईएस्ट लेक है, बिगेस्ट लेक. अच्छा, ये एरिया में? कर्नाटका में पूरा, कर्नाटका में पूरा सबसे बड़ा. ओ, तभी बहुत बड़ा दिख रहा है. ठीक है, चलो. सो गाइस, जैसे कि अभी अभी जस्ट मुझे चेतन ने इन्फॉर्म किया है कि ये पूरा एरिया मतलब टिल चिकमंगलूर ऐसा ही रहने वाला है. दैट मीन्स कि रात के टाइम हम लोग ऐसे फॉरेस्ट में से जाने वाले हैं. हाँ ओके, एक बार मैंने अम्बोली घाट वैसे क्रॉस किया है रात के 4 बजे. हाँ मतलब सुबह के 4 या 5 बजे. तो यस, मतलब दिल को तसल्ली देने के लिए उतना ठीक है एक्सपीरियंस. एकदम थ्रिलिंग राइड होने वाला है अभी. सो गाइस, अभी हम हैं भद्रावती में और यहाँ पे मुझे अपने प्यारे से सब्सक्राइबर मिल गए हैं, मल्ला रेड्डी. हाय भाई साहब. हाय. पता नहीं कहाँ से जस्ट उन्होंने अपना इंस्टाग्राम देखा और मुझे मैसेज किया कि अजिंक्य भाई मिलना है. एंड बहुत अच्छा लगा है भाई आपसे मिलके. मतलब जब भी आप लोग जो देखते हो, आप सब जब भी मुझे मिलते हो ना यार, बहुत प्राउड फील होता है. मतलब मुझे लगा नहीं था इतने छोटे से रास्ते पे, इतना छोटे से गाँव में या फिर छोटा सा कस्बा सिटी जो भी है, तो यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर रहेंगे. मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी. भाई आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए. भाई मिलके बहुत खुश हो गया. तब से मैं वीडियो देख रहा हूँ राजस्थान आपके ट्रिप से, राजस्थान से सीरीज से. तो बहुत ही खुशी हुआ आप इधर आ रहे. कल का मैं कल शाम को देखा था आपका वीडियो. अच्छा. तो देखने के बाद मैं तुरंत आपको मैसेज डाला. बाद में आप आके यहाँ पे मिला, बहुत ही खुशी हुआ. तो थैंक यू. एंड भाई ने ये अपना स्वीट किस क्या कौन सा स्पेशलिटी क्या है इसका? वेंकटेश्वर स्वीट्स करके. वेंकटेश्वर स्वीट्स, यस. ये मैसूर पाक बोलते हैं हम लोग. तो यहाँ शिमोगा का बहुत ही स्पेशल है. अच्छा, तो इसलिए लाया. मैं मुझे मालूम है बाइकर कितना. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. सुबह से ड्राइव कर रहे हो, आपके न्यूट्रिशन और सबका जरूरत पड़ता है. तो इसीलिए स्वीट लाया हूँ. तो टेस्ट करो. खाएंगे. अभी फिलहाल तो थोड़ा लेट हो गया. इसमें जाके अपना होटल में जाके पक्का जरूर पूरा खत्म कर देंगे. जरूर राजन भाई, खत्म करना है. ठीक है, चलो भाई. थैंक यू सो मच. अपने सब्सक्राइबर्स भाई के साथ बात करते करते अराउंड 1 घंटे के ऊपर हो गया और टाइम का कुछ पता ही नहीं चला. तो अभी जस्ट अपने रेड्डी भाई अपने को छोड़ने जा रहे हैं. एंड जस्ट ये जो सिटी है इसके बाहर निकाल देंगे, भद्रावती इसके बाहर निकाल देंगे. और फिर अराउंड 80 किलोमीटर है चिकमंगलूर. चलो भाई, बाय, थैंक यू. तो दोस्तों, दिन भर की जो थकावट भरी जर्नी थी वो ख़त्म करने के बाद बहुत ही कोजी एक रूम मिला है. और अभी यहाँ पे यार बहुत अच्छे से सोऊंगा. एक्चुअली गाइस काफ़ी बड़ा रूम है एंड मैं आपको दिखाता हूँ.
मास्टर बेडरूम बड़ा है बहुत ज़्यादा, और अलमारी, देन यहाँ पे थोड़ा बहुत और सामान रखने के लिए जगह, टीवी, देन ड्रेसिंग टेबल एंड वॉशरूम। तो ये होटल हमें पड़ा है अराउंड 900 रुपीज़, गो आईबीबीओ से बुक किया था, एंड इसका नाम है होटल गिरी इन इन क्या अपना किधर है अपन अभी फिलहाल किधर है क्या है बताना। अरे इतना दिन गाड़ी चलकर मेरे को कहीं कहा चिकमंगलूर, तो चिकमंगलूर में ये वाला अभी रूम मिला है, अभी जस्ट सोना है ना राजन, 10 घंटा गाड़ी चलाया क्या, खाली 10 घंटा का बात कर रहा है, पागल है तेरे लिए भाई, 4 बजे से लेके अभी तक 10 घंटा मत नहीं होता कम से कम गाड़ी का रनिंग टाइम, हाँ कम से कम 18 घंटा हम लोग रोड पे थे, तो बहुत थक गए अभी फिलहाल। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड, पार्ट वन डे वन एंड, ठीक है, कल का वीडियो का शुरुआत पता नहीं शायद लेट हो सकता है। चलो गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय बाय।